इत्र की सुगंध नवाबों के दौर से ही महक रही है। एक तरफ इत्र से खुदा की इबादत होती है तो दूसरी तरफ इससे लोगों को ताजगी भरा एहसास मिलता है। पुराने भोपाल में इत्र की कई दुकानें हैं जो 100 साल पुरानी हैं। खास फूलों से बने इन इत्रों की सुगंध से सारा बाजार महक जाता है। जो अपन सेंट लगाते हैं तो वो उसमें अल्कोहल होता है, तो उसमें नमाज पढ़ने में इसमें ठीक नहीं रहता, और इत्र के जो है वो लॉन्ग टाइम तक उसकी खुशबू बरकरार रहती है, इसलिए लोग उसको इत्र को प्रेफर करते हैं। भोपाल में इत्रों को रखने का तरीका भी नायाब है, जिन्हें ऊंट की खाल और लेदर से बनी खूबसूरत शीशनुमा कुप्पी में रखा जाता है। इन कुप्पियों की खासियत यह है कि इनमें इत्र की ताजगी और महक सालों साल बरकरार रहती है। इन इत्रों की कीमत भी खास होती है। स्पेशल ये इत्र के लिए होती है, इसमें महंगे इत्र रखे जाते हैं। धनेलू रखा जाता है, रूए खास आता है, शाही गुलाब आता है, मोगरे का इत्र आता है, चमेली का आता है। ये स्पेशल उसके लिए कुप्पी बनाई जाती है और इससे इत्र की लाइफ बढ़ जाती है। भोपाल में मुख्य रूप से ऊद, गुलाब, दिलशाद, खस और फिरदौस इत्र मिलता है। इनमें सबसे महंगा इत्र ऊद होता है। इसकी खुशबू देर तक रहती है। पुराने दौर में इत्र कपड़ों में लगाकर निकलना एक शाही अंदाज की निशानी थी। आज भी लोग शौक से इत्र लगाते हैं। भोपाल में इत्र को तहजीब के तौर पर लिया जाता है। परफ्यूम की नई बड़ी कंपनियां होने के बावजूद भी इत्र के शौकीनों की कमी नहीं है। इत्र की मांग बराबर बाजार में बनी हुई है। पुराने शहर के अलावा आज कई शॉपिंग मॉल्स में भी इत्र बेचे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन उज्जवल राय के साथ मैं गरिमा भिलवाड़े, लेक सिटी लाइव, भोपाल।